गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम करते हैं संविधान के भाग 14 से आए हुए कुछ जो क्वेश्चन हैं विभिन्न परीक्षाओं में। इससे हमें क्वेश्चन की एक नेचर और एक आइडियाज मिलते रहेंगे कि वो किस बेस तक, उनका लेवल क्या रहता है। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट देखना, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, है ना। देखना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में। इसमें एक एक्ट बना था 1919 में, मॉन्टेग्यू चेंज फोर सुधार भी हुआ था। मॉन्टेग्यू चेंज फोर सुधार हुआ था। इसमें कहा गया था एक तो कि ये परीक्षा भारत में और लंदन में दोनों जगह होगी, और उसमें आयु भी निर्धारित की गई थी। पहले थी ना कि जैसे 22 वर्ष और 24 वर्ष की गई थी, है ना। तो उसमें सबसे पहले जब शुरू हुई थी लंदन में, वहां तो आयु ये की गई थी 18 से 23 वर्ष, लेकिन अब आयु 24 वर्ष हो चुकी थी। और पहले आईसीएस कौन बने थे भारत के, आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये पहले आईसीएस थे इंडिया के। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर इसका, सी आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 अधिनियम के तहत बनाया गया था। और पहली बार जब यहाँ पर परीक्षा हुई थी भारत में, ये इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, इसी संशोधन के, सन 1922 में पहली बार परीक्षा का आयोजन होता है। इससे पहले लंदन में हुआ करती थी। लंदन में कब हुई थी पहली बार, ये 1855 में, ये तो लंदन में हुई थी। और भारत में कब, ये इलाहाबाद में हुई थी 1922 में। क्वेश्चन नंबर दो देखना, सेकंड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि से दिए जाते हैं। जो व्यय होते हैं, खर्च होते हैं, अगर राज्य लोक सेवा आयोग तो राज्यों की संचित निधि से, अगर केंद्र का है संघ लोक सेवा आयोग तो केंद्र की संचित निधि से। बी आंसर आ जाएगा, राज्य की संचित निधि पर ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मींस यूपीएससी, है ना, ये किसमें आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 315 में, कि प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो प्रथम महिला बनी थी रोज बैथ्यू, ये हमने इसमें वीडियो में डिस्कस नहीं किया, बस इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा, है ना। मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन 1993 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर देखना, भारत के संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से कौन सही है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हम बताना है, जो आर्टिकल नंबर किस में आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 315 में आएगा, है ना। तो क्या दिया, यह है लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, नहीं, लोक सेवा आयोग का निरीक्षण नहीं करता। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग में कोई डिस्टर्बियन नहीं। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर आएगा 315 में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। देखना, 315 से हम पढ़ेंगे 323 तक, ये इसी के बारे में दिया हुआ है। और भाग कौन सा हो जाएगा, भाग नंबर 14। तो इसमें 317 में दिया गया कि समय से पूर्व उनको हटाया जा सकता है, लेकिन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की जो पदावधि होती है, या तो ये छह वर्ष का कार्यकाल, या फिर 62 वर्ष की अधिकतम आयु, जो भी पहले हो, है ना, ये होता है। क्वेश्चन नंबर छह देखना, सिक्स में, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो राज्य लोक सेवा आयोग के होते हैं, ये तो करते हैं राज्यपाल महोदय, और जो होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के, उसे करते हैं राष्ट्रपति महोदय, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, सातवा, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, है ना। तो संघ लोक सेवा आयोग को जब सौंपते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, किसके अनुमोदन से, ये भारत के राष्ट्रपति को ऐसे सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन ये राष्ट्रपति महोदय को सौंपा जाता है। इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर, भारत के राष्ट्रपति। ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे किसमें, अपना अनुमोदन जो प्रतिवेदन सौंपते हैं, 323 आर्टिकल में आएगा कि जो राज्य के हों तो राज्यपाल को सौंपते हैं, और जो केंद्र का संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति मंत्री को सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता। देखिए, जो परामर्श नहीं लेते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया 2014 में, सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति, तो आठवें में ये इसकी सलाह ली जा सकती है। इसमें जो सलाह नहीं लेते, देखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जो कार्य और नहीं करते, बी आंसर है, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में
अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर। सीएस में सिविल सेवा के पदोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण जैसे ट्रांसफर करते हैं। डीएस में सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर, यह उनका स्थानांतरण भी कर सकता है, राज्य लोक सेवा से परामर्श नहीं लिया जाता, यही आ जाएगा इसमें डी आंसर, ये परामर्श नहीं लिया जा सकता, स्थानांतरण का मामला है ना, इसको सरकार अपने दूसरे तरीके से करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखना, निम्नलिखित में से कौन सही है, संघ लोक सेवा आयोग एक, क्या दिया इसमें, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, एक संवैधानिक संगठन है, इसका तो उल्लेख दिया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग का 315 अनुच्छेद में, तो संवैधानिक हो जाएगा ना, संवैधानिक संगठन है, इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, सूची एक और दो को सुमेलित कीजिए, कुछ आर्टिकल्स सजाने हैं हमें, आर्टिकल्स के बारे में बताने, देखना भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको हम क्या कहते हैं, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर क्या आ जाएगा इसका 148। ऐसे वित्त आयोग, वित्त आयोग का आर्टिकल नंबर कितना है 280 में आएगा। प्रशासनिक अधिकरण या संघ लोक सेवा आयोग का लगा लीजिए पहले आप 315 में संघ लोक सेवा आयोग, अब एक बचता इसका याद आएगा, हालांकि 323 में इनकी जांच के लिए एक अधिकरण हुआ करता है प्रशासनिक जांच के लिए, ये इसमें आ जाएगा 323 ए, और इसमें ये भी प्रतिवेदन के बारे में, तो ए में थर्ड है और बी में क्या आ जाएगा दो, थर्ड और सेकंड, तो आंसर ए आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बेस्ट आंसर इसका, ए बी का, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आए हुए थे आईएएस और पीसीएस में, इन पर आधारित ही हम आगे फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।